Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Apex Hospital में बच्ची की मौत के बाद बीती रात कंकड़ खेड़ा के लक्ष्य हॉस्पिटल में एक वृद्धा की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि टूटी हड्डी के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था, बीपी के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया। सुबह देखा तो माँ मृत पाई गई। स्टाफ ने रात में देखा तक नहीं कि वृद्ध माँ को क्या हुआ है। इस मौके पर परिजनों ने बताया कि वह कंकड़खेड़ा के सैनिक विहार बी ब्लॉक के निवासी हैं। उन्होंने अपनी वृद्ध माँ सुरेश रानी को बीते दिवस लक्ष्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। देखिए, मेरी मदर एक्सपायर हो गई, मैंने कल एडमिट कराया था। 2:30 बजे आ रहा हूँ। क्या बीमारी? उनको खाली बीपी का इशू था और पैर की ये वाला हल्की सी इनकी बोन टूटी हुई थी, उसके रिगार्डिंग डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं करा ड्यू टू बीपी। फिर रात भर मम्मी को कोई ना तो हॉस्पिटल में देखने आया, ना ही कोई स्टाफ देखने आया, ना ही कोई डॉक्टर आया विजिट करने। सुबह जैसे ही मेरे को थोड़ा सा लगा, मैंने कहा मम्मी का खराटे वगैरह नहीं हो रहे तो एक बार चेक करता हूँ, तो यहाँ पे तब भी आके ना तो डॉक्टर ने इतनी भी कोशिश नहीं करी, चलिए ठीक है जो भी है, इन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि उनको वेंटिलेटर में डाल दे, आईसीयू में एडमिट कर दे। इंसान अपने पेशेंट को बचाने के लिए कुछ तो करता है ना, एटलीस्ट एक एफर्ट तक नहीं दिखा किसी भी डॉक्टर का कि इनको आके हाथ लगा। आपने बताया था? हाँ जी, आपने जाकर बताया था सर? उन्होंने बस दो बार ऐसे किया, बस एक बार आके देखा, चेक किया, बस ये लो सर मेरी मम्मी बिल्कुल, मैं ठीक लेके आया हूँ इनको। अच्छा आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा बाहर की, मैं इनको ठीक लेके आया हूँ। उस स्टेज में इन्होंने पहले तो इनको इनके पास कोई रूम नहीं था, और ये सर हॉस्पिटल टोटली फ्रॉड है, लक्ष्य हॉस्पिटल। इसमें सर मैं तो हाथ जोड़ के सभी से एक विनती करूंगा, लाइफ में कभी भी किसी के साथ कोई भी तकलीफ हो अपने मम्मी डैडी को मत लेके आइएगा, नहीं तो भाई साहब ये देखिए मेरी माँ का हाल, आगे आपके साथ भी यही हो सकता है। लाइफ में कभी भी लक्ष्य हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट मत कराइएगा। थैंक यू सर, मेरी मम्मी तो रही नहीं, आप लोगों की माँ बच जाए तो ज्यादा। लापरवाही है इनकी सर, टोटली लापरवाही है, कोई भी नहीं आया मेरी मम्मी के पास, ना ही किसी ने ट्रीटमेंट दिया रात को, ना ही कोई दिखने आया। यहाँ पे वार्ड बॉय बैठा था, वो बाहर कह रहा था मेरे को, वो बोला कह रहा भैया अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे को उठा देना, वो बंदे के ये वर्डिंग थे। मैंने ठीक है भाई मैं तो जाग रहा हूँ, कह रहा इनकेस कोई चाहिए हो मैं ये भी नीचे सोता हूँ मेरे को बता देना। किसी ने भी आके मेरी मम्मी को चेक नहीं करा एक बार भी, कुछ भी नहीं करा, और उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम डाल रहे, कह रहे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यार डॉक्टर तुम हो, मैं थोड़ी ना हूँ, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं अपनी माँ को बचा लेता, तुम्हारे पास लाने की क्या जरूरत। आपने बताया था? हाँ जी आपने बताया, मैंने इन्फॉर्म करा, इन्होंने नहीं बताया, ये तो मेरे पास चेक करने तक नहीं आए मदर को, मैंने इनको इन्फॉर्म करा, देखिए मम्मी की सांस नहीं चल रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।